के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के मरीज हो गए हैं 16,77,190। आपको बता दें इन 16 लाख लोगों में से 1,01,559 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें इन 16 लाख लोगों में से 3,72,403 लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट था पूरे दुनिया भर का। आपको बता दें पूरी दुनिया भर में अमेरिका यानी कि यूएसए ऐसा देश है जहां पर अभी सबसे ज्यादा चीनी बीमारी के मरीज हैं, लगभग 4,89,000। लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं अपने भारत में क्या हाल है चीनी बीमारी का। तो बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है कि आप देख सकते हैं कि भारत में चीनी बीमारी के कुल मरीजों की संख्या हुई 7,598 और इन 7,000 लोगों में से लगभग 246 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 774 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अभी भी जो लोग संक्रमित हैं, जो लोग बाकी हैं, जो मरीज हैं, वो है भारत में चीनी बीमारी के 6,578 बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक। अभी हम आपको थोड़ी देर में चीनी बीमारी का विस्तार से अपडेट बताएंगे भारत के राज्य के हिसाब से। लेकिन आइए उससे पहले आपको और जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें बता देते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नहीं थम रहा चीनी बीमारी का प्रकोप। पंजाब सरकार ने 1 मई तक बढ़ाया कर्फ्यू। जी हां, चीनी बीमारी के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पंजाब सरकार ने अपने राज्य में यानी कि पंजाब में कर्फ्यू को, लॉकडाउन को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी वहां पर मई के महीने तक ये लॉकडाउन, ये कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें इससे पहले एक और बड़ी खबर आई थी जिसके तहत उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी 30 अप्रैल तक के लिए उड़ीसा में लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। आपको बता दें आने वाले दिनों में बहुत हद तक ऐसी उम्मीद है कि पूरे देश में 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे राज्यों में इसी तरीके से लॉकडाउन कर्फ्यू का समय बढ़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सस्ते होंगे वेंटिलेटर, मास्क और टेस्टिंग किट। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, चीनी बीमारी को हराने के लिए सरकार तमाम कोशिश कर रही है ताकि चीनी बीमारी से हम लोग बच सके। आपको बता दें अब इसी के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत सरकार ने जो भी रक्षण उपकरण है यानी कि जो भी चीजें इलाज में चीनी बीमारी में काम आती है, जैसे वेंटिलेटर हो गए, मास्क वगैरह हो गए या टेस्ट करने वाली किट हो गई, तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी या टैक्स वगैरह लगता था उसे सरकार ने हटा दिया है। इससे वेंटिलेटर वगैरह और जो भी चीजें हैं जो कि बीमारी में यूज होंगी वो सस्ती हो जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन अवधि में ग्राहकों को मुफ्त सेवा देने के लिए निजी टेलीकॉम कंपनियों ने मांगी है सरकार से सब्सिडी। जी हाँ, निजी क्षेत्र की दूर संचार कंपनियों ने यानी कि आइडिया ने, वोडा ने, जियो ने और एयरटेल ने सरकार से सब्सिडी मांगी है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ये आदेश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग हैं उनके सिम की जो वैलिडिटी है वो खत्म नहीं की जाए, बल्कि उसे ऑटोमेटिकली बिल्कुल फ्री में बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा उन्हें कुछ टॉक टाइम भी बिल्कुल फ्री में दिया जाए। आपको बता दें इस आदेश के बाद जियो ने कुछ मिनट फ्री में दिए बात करने के लिए और वैलिडिटी बिल्कुल फ्री में बढ़ा दी, और इसी तरीके से दूसरी कंपनियों ने भी किया। लेकिन आपको बता दें ऐसा करने से अब तक दूरसंचार कंपनियों को 600 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, और इसी की भरपाई के लिए दूरसंचार कंपनियां सरकार से सब्सिडी मांग रही हैं। अगर सरकार सब्सिडी देगी और आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों का जो रिचार्ज है वो बिल्कुल फ्री में हो सकेगा, उनको और भी टॉक टाइम वगैरह फ्री में मिल सकता है बात करने के लिए।